हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हाइस्ट मूवी प्लास्टिक को जो 2014 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDB ने इसे मिक्स रेटिंग दी है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है, इसीलिए इस मूवी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था और मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम राफा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पेट्रोल पंप पर रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। राफा को मेरी तरह फरारी कार बहुत पसंद थी, इसीलिए वो हमेशा फरारी कार की फोटो देखता रहता था। तभी वहाँ एक कस्टमर आया और फरारी की फोटो देखकर राफा से कहा कि वो बस फरारी कार की फोटो देख सकता है, उसकी फरारी खरीदने की औकात नहीं। ये कहकर कस्टमर पेमेंट करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड उसके हाथ में देता है। कस्टमर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी जो कार में ही बैठी थी। तभी राफा कस्टमर से पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसे सच में पसंद करती है। तब उस कस्टमर ने बाहर देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है। तब वो कस्टमर अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा करके वापस कार में बैठने कहता है, लेकिन इतनी देर में राफा ने उस कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को एक डिवाइस में स्वाइप कर दिया, जिससे उसकी सारी डिटेल राफा के पास सेफ हो गई। फिर राफा कस्टमर को उसका कार्ड देकर उसे क्रेडिट कार्ड मशीन में स्वाइप करके पिन डालने कहता है। जब उसने कार्ड का पिन डाला तब वो पिन वहां लगे CCTV कैमरा में कैप्चर हो गया। अब राफा के पास कार्ड की डिटेल और पिन दोनों था। फिर हम राफा को उसी लड़के के साथ देखते हैं जो उस कस्टमर की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस लड़के का नाम येसी है और वो राफा का दोस्त है। दरअसल वो उस कस्टमर के लिए एक ट्रैप था ताकि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद राफा उस कस्टमर का ध्यान भटका सके, जिससे कार्ड की सारी डिटेल उसे मिल गई। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को एक लड़की के साथ कार में यामाकाटा करते हुए देखते हैं। तभी राफा और येसी उस कार के पास आए। फिर येसी ने बेसबॉल बैट से कार का कांच तोड़ा और राफा उस बूढ़े आदमी और लड़की का वीडियो बनाने लगा, जिसके बाद येसी और राफा उसे ब्लैकमेल करके उसका क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। फिर वो उस बूढ़े आदमी को एक पेपर पर कार्ड की डिटेल लिखने कहते हैं। तब येसी की नजर कार में रखे एक ब्रीफकेस पर गई। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उन्हें पैसे और कार्ड दे चुका है, लेकिन वो ब्रीफकेस नहीं दे सकता क्योंकि उसमें कुछ जरूरी चीज है। तब राफा उस बूढ़े आदमी को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर उसने ब्रीफकेस नहीं दिया तो वो उसका यामाकाटा वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा और जब उस बूढ़े आदमी की बीवी वीडियो देखेगी तब बहुत बुरा होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी ब्रीफकेस देने से मना कर रहा था। तब येसी ने उस बूढ़े आदमी को बैट से मारा, जिससे वो कार में ही बेहोश हो गया। फिर राफा और येसी ब्रीफकेस लेकर वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद जब राफा ने ब्रीफकेस खोला तब उसमें 5,000 यूरो और एक टैब निकला। येसी कहता है कि वो उस टैब को अपने पास रखेगा। फिर हम आगे मार्शल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिता रहा था, क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। तब उसे उस बूढ़े आदमी का कॉल आया जिसका नाम हैरी है। हैरी बताता है कि दो लड़कों ने उसे लूट लिया और साथ ही वो ब्रीफकेस भी लेकर भाग गए। अब सीन यहीं पर कट होता है और हम सैम को देखते हैं जो चोरी किए हुए पैसे गिन रहा था। दरअसल राफा, येसी और फ्रॉडी सैम के दोस्त और क्राइम पार्टनर है। उन चारों का काम क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करके पैसे लूटना था ताकि वो चारों कॉलेज में एक अच्छी जिंदगी जी सके। तभी वहाँ फ्रॉडी अजीब सी दिखने वाली ड्रेस पहन कर आया, क्योंकि आज उनके कॉलेज में फैंसी ड्रेस पार्टी है, इसीलिए वो चारों दोस्त पार्टी में गए। वहाँ फ्रेंकी नाम की एक लड़की भी थी जो सैम की क्लासमेट है और सैम उसे पसंद भी करता है। सैम फ्रेंकी के पास जाकर उससे बात करने ही वाला था, लेकिन तब तक येसी वहाँ पहुँच गया और वो फ्रेंकी से बात करने लगा। उन्हें देखकर लग रहा था कि फ्रेंकी भी येसी की कंपनी एंजॉय कर रही है, लेकिन फ्रेंकी से कुछ देर बात करने के बाद येसी उसे छोड़कर अपने दोस्तों के पास आ गया। वो सबको बताता है कि उसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। तब सैम फ्रेंकी से बात करने गया। फ्रेंकी के पास जाकर सैम उससे पूछता है कि उसने पार्टी में फैंसी ड्रेस क्यों नहीं पहनी। फ्रेंकी बताती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपनी जॉब से सीधा पार्टी में आ गई। तब सैम उसके जॉब के बारे में पूछने लगा। फ्रेंकी एसक्रेड नाम की एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है। फिर फ्रेंकी सैम से पूछती है कि वो और उसके दोस्त ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे वो लोग इतनी महंगी चीजें अफोर्ड करते हैं। दरअसल कॉलेज के सभी स्टूडेंट उन पर शक करने लगे थे। सैम बताता है कि वो लोग एक सीक्रेट ट्रेड करते हैं जिससे उनके अच्छे पैसे बन जाते हैं। आगे फ्रेंकी जब अपने घर के लिए निकल रही थी तब सैम फ्रेंकी से उसका नंबर मांगता है, लेकिन फ्रेंकी सैम को अपना नंबर देने की बजाय ईमेल एड्रेस देती है और कहती है कि फिलहाल सैम को इससे ही काम चलाना होगा। अब अगले दिन जैसे ही वो लोग अपने रूम पर गए तब वहाँ मार्शल पहले से उनका वेट कर रहा था। उसके आदमियों ने राफा और येसी को पहले ही बांध कर रखा था। मार्शल सैम को बताता
बताता है कि उन्होंने उसका कीमती टैप चुरा लिया जिसमें उसके सारे इलीगल कामों की जानकारी थी, जिसकी वजह से मार्शल को अपनी बेटी का बर्थडे छोड़कर आना पड़ा। मार्शल का अकाउंटेंट हैरी भी वही था जो एक रात पहले कार में लड़की के साथ था जिसे येसी ने टैप चुराया था। फिर मार्शल हैरी को भी बुरी तरह पीटता है। मार्शल ने उनके रूम में छानबीन की जिससे उसे पता चला कि वो चारों दोस्त क्रेडिट कार्ड और आइडेंटिटी फ्रॉड करते हैं। इसीलिए मार्शल सैम को अपने कुछ सामान की लिस्ट देकर कहता है कि अगर शाम को 5 बजे से पहले सारा सामान नहीं मिला तो वो उनके किए गए फ्रॉड जग जाहिर कर देगा जिससे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन मार्शल की दी हुई लिस्ट बहुत लंबी थी। सैम कहता है कि वो लोग इतनी शॉपिंग एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन मार्शल का एक आदमी फ्रॉडी के पेट में जोरदार मुक्का मारता है, मतलब उन्हें कुछ भी करके मार्शल को सारा सामान लाकर देना ही होगा, तभी वो लोग मार्शल के चंगुल से निकल सकते हैं। कुछ देर बाद मार्शल वहां से निकल गया तो फ्रॉडी और सैम मिलकर राफा और येसी की रस्सी खोलते हैं। दरअसल उनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के क्लोन थे जो उन्होंने इलीगल तरीके से बनाए थे। अब चारों दोस्त सारे क्रेडिट कार्ड लेकर मार्केट में गए और मार्शल की दी हुई लिस्ट के मुताबिक सारा सामान खरीदा जिसमें कुछ महंगी घड़ियां भी थी। इसके बाद सैम मार्शल को कॉल करके बताता है कि उन्होंने सारा सामान खरीद लिया। तब मार्शल उन चारों को सामान के साथ एक सुनसान जगह पर आने कहता है। इसीलिए रात होने पर चारों दोस्त एक सुनसान जंगल में पहुंचे जहां मार्शल और उसके आदमी पहले से उनका वेट कर रहे थे। फिर सैम उन्हें अपनी वैन की डिक्की खोलकर दिखाता है। ये देखकर मार्शल चौंक गया क्योंकि वो सारा सामान 60,000 यूरो का था। इसीलिए मार्शल के मन में अब लालच बढ़ गई थी। वो सैम से कहता है कि उन्हें मार्शल को हर हफ्ते 2 लाख यूरोज देने होंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो चारों को जान से मार देगा। लेकिन सैम कहता है कि मार्शल ने उन्हें सामान लाने कहा था और उन्होंने उसका सारा सामान लाकर दे दिया, इसीलिए अब कोई डील नहीं होगी। तब मार्शल का एक आदमी उन चारों दोस्तों के पैरों के पास अपनी गन से फायरिंग करने लगा जिससे यात्सी की तबीयत खराब हो गई। मार्शल कहता है कि वो उन चारों का काम आसान कर देता है। अब उन्हें हर हफ्ते 2 लाख यूरो की जगह एक साथ 2 मिलियन यूरो देने होंगे, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। अगर 2 हफ्तों में उसे उसका पैसा नहीं मिला तो वो उन्हें मार देगा और अगर उसे उसका पैसा मिल गया तो वो उन्हें जाने देगा। सैम और उसके साथियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए सैम 2 मिलियन यूरो देने मान गया। फिर मार्शल के आदमी उनकी वैन भी लेकर चले गए जिसमें सामान रखा था, इसीलिए उन्हें पैदल ही घर जाना पड़ा। आगे हम देखते हैं चारों दोस्त अपने रूम पर आए। सैम कहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी जिनकी लिमिट भी ज्यादा होनी चाहिए जिससे वो क्रेडिट कार्ड से महंगी चीजें खरीद कर उन्हें कैश में बेच सके और इस तरह उनके पास 2 मिलियन यूरो कैश में जमा हो जाएगी। लेकिन ये काम उन्हें जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का समय है। लेकिन इन सब के लिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत होगी। तब फ्रॉडी को याद आया कि फ्रेंकी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में डाटा प्रोसेसर है और सैम के पास उसका ईमेल भी है, इसीलिए फ्रॉडी फ्रेंकी का ईमेल हैक करता है। तब उन्हें पता चला कि फ्रेंकी के पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, मतलब अब वो लोग फ्रेंकी को भी अपनी टीम में शामिल करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है उसे भी अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होगी। अगले सीन में हम फ्रेंकी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने पिता के साथ थी और बहुत परेशान भी थी। तब उसकी माँ फ्रेंकी को बताती है कि कंपनी ने उसके पिता के इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिता ने अपनी बीमारी के बारे में बताने में बहुत देर कर दी और अब बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी उनके इलाज का खर्च नहीं उठा सकती, मतलब अब फ्रेंकी को अपने पिता की जान बचाने खुद ही पैसे अरेंज करने होंगे। रात होने पर फ्रेंकी उदास होकर हॉस्पिटल से घर जाने निकली, तभी उसे रास्ते में सैम मिला। सैम उसे कुछ देर बातें करता है और उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। फ्रेंकी भी परेशान थी इसीलिए वो सैम के साथ जाने मान गई। अब दोनों रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे थे तभी एक वेटर उनके टेबल पर बिल लेकर आया। तब सैम अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है, उस कार्ड को देखकर फ्रेंकी पूछती है उसके पास ब्लैक कार्ड कहां से आया। तब सैम फ्रेंकी को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक चोर है, वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करता है क्योंकि उस कार्ड पर भी सैम की जगह किसी और का नाम लिखा था। ये सुनते ही फ्रेंकी गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। तब सैम बताता है कि उसने इसीलिए फ्रॉड करना शुरू किया ताकि वो अपने भाई के मेडिकल बिल भर सके क्योंकि उसके भाई को एक गंभीर बीमारी थी और अपने भाई को बचाने के लिए सैम के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना। दरअसल सैम की ये कहानी बिल्कुल झूठी थी। उसने अपने भाई के मेडिकल की कहानी इसीलिए बनाई क्योंकि वो जानता था कि फ्रेंकी के पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो सैम की इस कहानी पर यकीन कर लेगी। और हुआ भी ऐसा ही, सैम की कहानी सुनने के बाद फ्रेंकी भी अपने पिता के बारे में बताने लगी। बातों ही बातों में सैम फ्रेंकी को बताता है कि अगर फ्रेंकी ने उनकी मदद की तो वो लोग मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पहले तो फ्रेंकी ने ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन फिर अपने पिता के इलाज के बारे में सोचकर वो सैम की मदद करने मान गई। अगले दिन सैम फ्रेंकी को अपने दोस्तों से मिलवाता है और अपने क्लोन किए हुए कुछ कार्ड भी दिखाता है। तब फ्रेंकी कहती है कि वो अपने कंपनी के डेटाबेस से हाई प्रोफाइल कस्टमर के कार्ड की डिटेल निकाल कर दे सकती है लेकिन वो लोग लंदन में रहकर लंदन के कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते वरना वो लोग बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के मियामी शहर को चुनते हैं क्योंकि मियामी में दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। मियामी जाने के बाद फ्रेंकी सबको बताती है कि उसने ऐसे 5 कस्टमर के क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली है जो साल में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और उन सारे कार्ड की लिमिट मिलाई जाए तो टोटल $3 मिलियन होगी, मतलब वो सारे कार्ड को इस्तेमाल करके $3 मिलियन की महंगी चीजें खरीद
खरीद कर उनको कैश में बेच सकते हैं, जिससे उनके पास $3 मिलियन कैश जमा हो जाएगी। सैम ने पहले ही उन कार्ड के क्लोन बना लिए थे, इसीलिए सैम अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकते हैं। फिर फ्रैंकी उनमें से एक कस्टमर की डिटेल बताती है, जिसका नाम यैनिक है। यैनिक एक बैंकर है और उसके कार्ड की लिमिट $5 लाख तक है, मतलब वो लोग उसका सारा पैसा निकालने का सोच रहे थे। तब राफा पूछता है कि अगर वो लोग यैनिक के कार्ड से शॉपिंग करेंगे और यैनिक खुद भी उसी समय शॉपिंग कर रहा होगा, तब एक ही समय पर एक ही कार्ड दो अलग अलग जगह पर स्वाइप हो गए, मतलब वो लोग आसानी से पकड़े जाएंगे। तब सैम कहता है कि इसीलिए उन्हें शॉपिंग करने से पहले यैनिक पर नजर रखनी होगी। अगले सीन में हम यैनिक को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के लिफ्ट में इंटर कर रहा था। तब फ्रॉडी अपना भेज बदल कर यैनिक के साथ लिफ्ट में घुस गया और बातों ही बातों में यैनिक के बैग में एक ट्रैकर डाल दिया, जिससे उन्हें उसकी लाइव लोकेशन पता रहेगी और उन्हें पता होगा कि यैनिक कब शॉपिंग करेगा। अब राफा GPS के जरिए यैनिक पर नजर रखने लगा। वही फ्रॉडी फिर से भेज बदल कर एक महंगी घड़ी की शॉप में गया, ताकि वो वहाँ से महंगी घड़ियाँ खरीद कर उसे कैश में बेच सके। तब यैसी राफा को भड़काने लगा कि सैम बस उनका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे उन सबकी कमजोरी पता है, इसीलिए उन्हें सैम का साथ छोड़कर खुद का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन राफा यैसी की किसी भी बात में नहीं फंसता और उसने सैम को धोखा देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद यैसी फ्रैंकी के पास गया और उसे बताया कि सैम उसे पसंद करता है। तब यैसी को पता चला कि फ्रैंकी भी सैम को पसंद करती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। तब यैसी फ्रैंक से कहता है कि उसे सैम का एक सीक्रेट पता है, लेकिन वो ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, इसीलिए फ्रैंकी को उसके थोड़ा करीब आना होगा। तब फ्रैंकी सैम का सीक्रेट सुनने के लिए यैसी के थोड़ा करीब गई, लेकिन यैसी सीक्रेट बताने की बजाय फ्रैंकी को किस करने लगा। तब यैसी की इस हरकत से फ्रैंकी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। आगे हम देखते हैं शाम होने पर सारे दोस्त होटल में जमा हुए थे। सैम और फ्रॉडी ने उस दिन यैनिक के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी महंगी घड़ियां खरीदी थी। इसके बाद यैसी, राफा और फ्रॉडी घूमने निकल गए। वो लोग स्ट्रिप क्लब में मौज मस्ती करने गए, जहाँ यैसी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, लेकिन वो और ज्यादा ड्रिंक करना चाहता था। लेकिन फ्रॉडी और राफा बताते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तब यैसी नशे की हालत में एक क्रेडिट कार्ड निकालकर स्ट्रिपर से बियर लाने कहता है। दरअसल वो कार्ड उन 5 में से एक कस्टमर का था, जिसे सैम ने इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन यैसी ने सैम के वॉलेट से वो कार्ड चुरा लिया। ये देखकर फ्रॉडी यैसी को वो कार्ड इस्तेमाल करने से रोकने लगा, लेकिन यैसी नहीं मानता। कुछ देर बाद स्ट्रिपर उसके पास आकर बताती है कि उस कार्ड की पेमेंट डिक्लाइन हो गई। अब उन तीनों के पास बिल भरने के लिए कैश भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए क्लब का ओनर भी समझ गया था कि वो लोग फ्रॉड करने आए हैं, इसीलिए वहाँ के बाउंसर उन्हें पकड़ने पहुँच गए। लेकिन तीनों किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकले। वही दूसरी तरफ सैम और फ्रैंकी यामाकाटा करने के बाद अपने रूम में चैन की नींद सो रहे थे। तभी फ्रॉडी सैम को कॉल करके बुलाता है और फिर तीनों सैम को बताते हैं कि उनसे एक गलती हो गई और स्ट्रिप क्लब के मैनेजर ने उनका कार्ड भी रख लिया। तब सैम परेशान होकर बताता है कि वो जो कार्ड उन्होंने गवाया है, उस अकेले कार्ड की लिमिट $1.5 मिलियन की थी। दरअसल उस कार्ड का ओनर एक गे है जो स्ट्रिप क्लब में नहीं जाता, इसीलिए उस क्लब में कार्ड डिक्लाइन हो गया। इसीलिए सैम उन तीनों पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि अब वो लोग मार्शल को क्या जवाब देंगे। अगले दिन राफा सैम को बताता है कि उसके पास एक प्लान है, जिससे वो लोग मार्शल का पैसा आराम से दे सकते हैं और साथ ही वो काफी अमीर भी बन जाएंगे और उसके लिए उन्हें किसी भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर राफा एमा डेब्लम नाम की एक ज्वेलरी शॉप के बारे में बताता है, जो अपनी ज्वेलरी में सिर्फ डायमंड का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर राफा सैम को एक मैगजीन में ब्रुनाई कंट्री के प्रिंस ज़ाफरान की फोटो दिखाता है। राफा कहता है कि उन्हें ज्वेलरी लूटने के लिए प्रिंस ज़ाफरान की जरूरत होगी, मतलब अब उन्हें वापस लंदन जाना होगा। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें प्रिंस ज़ाफरान के लेवल का सेटअप तैयार करना होगा, जिसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए वो लोग फ्रैंकी के दिए गए कस्टमर के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं उन्होंने एमा डेब्लम शॉप के ठीक सामने वाला घर रेंट पर ले लिया। इसके बाद राफा इंटरनेट से प्रिंस ज़ाफरान के सेक्रेटरी मुस्तफा की डिटेल निकालता है। फिर सैम एमा डेब्लम के सेल डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर स्टीव को कॉल करके बताता है कि वो प्रिंस ज़ाफरान का सेक्रेटरी मुस्तफा बोल रहा है और उन्हें प्रिंस ज़ाफरान की एंगेजमेंट के लिए वर्ल्ड के बेस्ट ज्वेलर से कुछ ज्वेलरी बनानी है। ये सुनते ही स्टीव के होश उड़ गए। उसे लगा कि उसे ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। फिर सैम उससे कहता है कि वो लोग इस वक्त लंदन में है, इसीलिए उसे अपनी शॉप की कुछ खास डिजाइन और कलर डायमंड सैंपल के तौर पर दिखाने होंगे, इसीलिए वो उसके लिए एक प्राइवेट प्लेन भेजेंगे, ताकि वो लंदन आकर ज्वेलरी के सैंपल दिखा सके। ये सुनकर स्टीव खुशी से नाचने लगा। उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग से सैम और उसकी टीम ने स्टीव पर नजर रखी थी। फिर उन्होंने स्टीव के लिए एक प्राइवेट प्लेन बुक किया। आगे हम देखते हैं फ्रैंकी मियामी बीच पर समुद्र में मजे ले रही थी और सैम उसे देखकर मजे ले रहा था। तभी सैम को मार्शल का कॉल आया। उसे लग रहा था कि सैम और उसके दोस्त 2 मिलियन यूरो नहीं देंगे, इसीलिए मार्शल बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड समुद्र में नहाते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। ये सुनकर सैम डर गया। तब सैम देखता है कि मार्शल का आदमी, जिसका नाम तारिक है, वो फ्रैंकी से कुछ बात कर रहा है। तब सैम जल्दी से भागकर फ्रैंकी के पास पहुंच गया। दरअसल फ्रैंकी को मार्शल के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लग रहा था कि सैम फ्रैंकी की मदद कर रहा है। सैम के वहां जाते ही तारिक फ्रैंकी के गले पर चाकू रख कर कहता है कि अगर 3 दिन में मार्शल के पैसे नहीं मिले तो वो फ्रैंकी को उठा ले जाएगा। ये कहकर तारिक वहां से चला
गया। तब फ्रैंकी भी सैम से नाराज होकर वहाँ से चली गई। रूम पर आने के बाद फ्रैंकी सैम के दोस्तों से पूछती है कि उन पर कितना कर्ज है। तब सबको लगा कि सैम ने उसे मार्शल के बारे में सब बता दिया, इसीलिए राफा बता देता है कि उन्हें मार्शल को 2 मिलियन यूरो देने हैं। लेकिन तभी सैम वहाँ आकर सबको बताता है कि उसने फ्रैंकी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उन लोगों ने फ्रैंकी की बातों में आकर उसे सब कुछ बता दिया। तब येसी फ्रैंक को बताता है कि सैम ने उनके साथ भी यही किया था और उसने फ्रैंकी का ईमेल भी हैक किया, जिससे सैम को पता चल गया कि अपने पिता को बचाने के लिए फ्रैंकी को बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अब फ्रैंकी भी समझ गई थी कि सैम ने बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया, इसीलिए वो बहुत भड़क गई और उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चली गई। ये देखकर सैम काफी गुस्सा हो गया, इसीलिए वो येसी को एक बुक्का मारता है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। सैम फ्रैंकी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उसे छोड़कर वापस अपने घर जाने के लिए निकल गई। फ्रैंकी के वहाँ से जाते ही सैम फिर से येसी को मारने गया, लेकिन फ्रॉडी ने उसे रोक लिया। वो सैम से कहता है कि इस वक्त उनके लिए मार्शल का पैसा वापस करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उसे काम खत्म होने तक शांत रहना होगा। तब सैम भी मान गया। अगले दिन वो लोग स्टीव को लंदन ले जाने के लिए अपना प्लेन भेजते हैं। अब स्टीव लंदन जाने के लिए बुक किए हुए प्लेन में अपनी टीम के साथ बैठ गया और कुछ ही समय में लंदन पहुंच गया। सैम और उसकी टीम पहले ही लंदन पहुंचकर स्टीव के वहां आने का वेट कर रही थी। स्टीव के लंदन पहुंचते ही सैम अपना भेष बदलकर मुस्तफा बन गया और स्टीव को कॉल करके कहा कि प्रिंस जाफरान स्टीव का लाया ज्वेलरी कलेक्शन देखने के लिए कुछ ही देर में उसके होटल पहुंचने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद सैम स्टीव से मिलकर बताता है कि प्रिंस जाफरान होटल के बाहर पहुंच गए, इसीलिए उसे अपने ज्वेलरी कलेक्शन तैयार रखने होंगे। अब कुछ देर बाद होटल के बाहर 3 महंगी गाड़ियां रुकी। फिर एक लीमो कार का कांच नीचे हुआ, जिसमें राफा को हम प्रिंस जाफरान के भेष में देखते हैं। तब राफा, जो प्रिंस बना था, वो अपने सेक्रेटरी मुस्तफा मतलब सैम से कहता है कि वो ज्वेलरी के कलेक्शन अपनी कार में अकेले देखना चाहता है। इसीलिए सैम ज्वेलरी का ब्रीफकेस जो स्टीव के हाथ में था उसे खोलकर चेक करता है कि उसमें कितनी ज्वेलरी है। फिर सैम ज्वेलरी का ब्रीफकेस राफा को देकर स्टीव से कहता है कि उसे पीछे वाली कार में उनके साथ चलना होगा, क्योंकि प्रिंस जाफरान को किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसीलिए वो रास्ते में ही एमा डेब्लम के कलेक्शन देखकर ज्वेलरी का ऑर्डर देंगे। तब स्टीव भी मान गया। अब स्टीव अपनी टीम के साथ राफा की लीमो के ठीक पीछे वाली कार में बैठ गया और सैम लीमो के आगे खड़ी कार में बैठा। दरअसल वो सारी कार उन्होंने हाई प्रोफाइल कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके रेंट पर ली थी। फिर वो तीनों कार वहाँ से निकली। राफा के कार का ड्राइवर भी उन्होंने रेंट पर हायर किया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद सैम ने देख लिया कि ट्रैफिक सिग्नल बंद होने वाला है, इसीलिए वो सिग्नल बंद होने से पहले दोनों कार तेजी से सिग्नल पार करने कहता है। लेकिन स्टीव की कार निकलने से पहले सिग्नल बंद हो गया, इसीलिए उन्हें सिग्नल पर ही कार रोकना पड़ा। ये देखकर स्टीव बहुत घबरा गया। वो समझ गया कि दोनों कार वहाँ से निकल चुकी है और साथ ही उसकी ज्वेलरी का कलेक्शन भी चोरी हो गया। इसीलिए स्टीव अपने आदमियों से कार से उतरकर पैदल ही उस कार का पीछा करने कहता है। उन्होंने जैसे ही कार का पीछा करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा दोनों कार स्टीव की गाड़ी का वेट कर रही थी। तब स्टीव भी शांत हो गया, लेकिन इस बीच सैम ने खेल कर दिया। दरअसल स्टीव के आदमियों के उनकी कार तक पहुंचने से पहले ही राफा की कार को किसी दूसरी लीमो कार से बदल दिया गया था, मतलब जिस कार में ज्वेलरी कलेक्शन था उस कार ने पहले ही अपना रास्ता बदल दिया और उस कार की जगह येसी ने अपनी कार रिप्लेस कर दी। ये बात स्टीव और उसके आदमियों को पता भी नहीं चली। अब वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे आगे सैम की कार चल रही थी, उसके पीछे येसी की लीमो थी और सबसे आखिर में स्टीव की कार थी। तब स्टीव फ्रॉडी से कहता है कि अब रास्ता बदलने का समय आ गया है, इसीलिए वो लोग एक गली में कार टर्न कर लेते हैं और प्लान के मुताबिक येसी को भी सैम के पीछे अपनी कार टर्न करना था, लेकिन वो उनके पीछे न आते हुए अपनी कार सीधे रास्ते पर ही चलाता है। ये देखकर स्टीव कंफ्यूज हो गया। तब वो अपने ड्राइवर से लीमो के पीछे जाने कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ज्वेलरी येसी वाली लीमो कार में है। अब हम राफा की लीमो कार में देखते हैं, जो कोई दूसरे रास्ते पर चल रही थी और उसी में सारी ज्वेलरी भी थी। राफा देखता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो रही है, इसीलिए वो ड्राइवर से कार रोकने कहता है। फिर राफा ड्राइवर से कॉल करने के लिए उसका फोन मांगता है और ड्राइवर को कार से नीचे उतरने कहता है। इसके बाद राफा येसी को कॉल करके बताता है कि वो और ज्वेलरी पूरी तरह सेफ है। तब येसी कहता है कि वो सारी ज्वेलरी $20 मिलियन की है और अगर राफा येसी के साथ मिलकर अपने दोस्तों को धोखा देगा तो उसे 20 मिलियन में से पूरे $10 मिलियन मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनते ही राफा भी अपने दोस्तों को धोखा देने मान गया। इसके बाद राफा कार से उतरकर ड्राइवर को उसका फोन वापस करता है और उसे वहां से जाने कहता है। फिर वो खुद भी ज्वेलरी का ब्रीफकेस लेकर वहां से निकल गया। इधर येसी की लीमो कार के पीछे अब भी स्टीव की गाड़ी चल रही थी। तभी येसी स्टीव की कार को चकमा देकर वहां से निकल गया, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद येसी को स्टीव की गाड़ी मिल गई। स्टीव को लगा कि उसकी ज्वेलरी कलेक्शन उसी कार में है, लेकिन जब उसके आदमियों ने लीमो कार को चेक किया तब उसमें कोई नहीं था। ये देखकर स्टीव समझ गया कि उसके साथ स्कैम हुआ है और उसके $20 मिलियन की ज्वेलरी भी गायब हो गई। वही दूसरी तरफ येसी सैम को कॉल करता है। तब सैम ज्वेलरी और राफा के बारे में पूछता है, लेकिन येसी बताता है कि राफा और ज्वेलरी उसके पास है और उसे ज्वेलरी खरीदने वाले लोग भी मिल गए, इसीलिए वो दोनों ज्वेलरी लेकर भाग रहे हैं। उसने बस सैम को गुड बाय बोलने के लिए कॉल किया था। तब सैम कहता है कि उन्हें मार्शल को उसके पैसे देने होंगे, लेकिन येसी कहता है कि मार्शल की प्रॉब्लम उसकी नहीं। फिर येसी सैम को गुड बाय बोलकर कॉल कट कर देता।
करता है। अब फ्रॉडी और सैम समझ गए थे कि येसी और राफा ने मिलकर उन्हें धोखा दे दिया। तभी सैम अपना फोन निकालता है जिसमें किसी की लोकेशन दिख रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जब सैम स्टीव के हाथ से ब्रीफकेस लेकर ज्वेलरी चेक कर रहा था तभी उसने ब्रीफकेस के अंदर एक ट्रैकर डाल दिया था जिससे उस ब्रीफकेस की लोकेशन उन्हें पता रहेगी। फिर हम येसी और राफा को देखते हैं जो ज्वेलरी का ब्रीफकेस लेकर एक होटल में गए जहाँ ज्वेलरी के खरीदार भी आने वाला है, लेकिन ट्रैकर से सैम को उनकी लोकेशन पता चल गई। फिर सैम तुरंत मार्शल को कॉल करता है। तब उसे पता चला कि फ्रैंकी मार्शल के कब्जे में है और अगर उसे उसके पैसे नहीं मिले तो तारिक उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सैम मार्शल को उसके पैसे लेने उसी होटल में आने कहता है जहाँ येसी ज्वेलरी की डील करने वाला है। वही दूसरी तरफ ज्वेलरी गायब होने के बाद पुलिस स्टीव और उसकी टीम से पूछताछ कर रही थी। वहाँ राफा के लिमो कार का ड्राइवर भी था। वो पुलिस को बताता है कि प्रिंस ने उसके फोन से कॉल किया था और उसे प्रिंस का एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन प्रिंस ने जिसे कॉल किया था वो नंबर अब भी उसके फोन की डायल लिस्ट में है और वो नंबर येसी का था। वही दूसरी तरफ हम येसी और राफा को उसी होटल के रूम में देखते हैं जहाँ उनकी डील होने वाली है। कुछ देर में ज्वेलरी खरीदने वाली पार्टी भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन वो सब छठे हुए गुंडे बदमाश थे। वही दूसरी तरफ मार्शल भी अपने आदमियों के साथ उस होटल की पार्किंग में पहुँच गया। वो कार से उतरकर होटल की तरफ गया। उसका अकाउंटेंट हैरी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो कार में ही बैठा था। वही कुछ ही दूरी पर सैम और फ्रॉडी भी अपनी कार में बैठकर मार्शल की गाड़ी पर नजर रख रहे थे। मार्शल के वहां से जाते ही दोनों उनकी कार के पास गए और हैरी को बाहर निकालकर पीटने लगे। फिर सैम हैरी से फ्रैंकी के बारे में पूछता है। हैरी बताता है कि फ्रैंकी उसी कार की डिक्की में है। तब सैम डिक्की खोलकर फ्रैंकी को बाहर निकालता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं जिसके बाद सैम फ्रैंकी से कहता है कि वो आगे उसकी और मदद नहीं कर पाएगा और उसे ये सब खत्म करना होगा, इसीलिए वो फ्रैंकी को वहां से भागने कहता है। फिर सैम और फ्रॉडी मार्शल की ही गाड़ी में छुप गए। उधर होटल के रूम में खरीदार भी अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था। तब येसी खरीदार को ज्वेलरी में से एक छोटा सा हिस्सा सैंपल के तौर पर दिखाता है। खरीदार उस सैंपल को चेक करता है। तब उसे वो ज्वेलरी पसंद आ गई क्योंकि वो सारी ज्वेलरी प्योर डायमंड की थी। इसके बाद खरीदार येसी से बाकी की ज्वेलरी भी दिखाने कहता है, लेकिन येसी उसे पहले पैसे दिखाने कहता है। तब खरीदार का आदमी येसी पर गन तान देता है, मतलब वो येसी से सारी ज्वेलरी लूटने आया था, लेकिन येसी ने ज्वेलरी दिखाने से मना कर दिया, इसीलिए उस आदमी ने राफा के पैर में शूट कर दिया जिससे राफा जमीन पर गिर गया। फिर खरीदार ने येसी पर गन तान दी। वो येसी को शूट करने ही वाला था कि तभी कोई रूम का दरवाजा नॉक करता है। खरीदार येसी से कहता है कि अगर रूम सर्विस के अलावा कोई और आया तो वो उसे शूट कर देगा। फिर येसी जाकर दरवाजा खोलता है। तब उसने मार्शल और उसके आदमियों को देखा। अब येसी के लिए इधर कुआ और उधर खाई वाली सिचुएशन आ गई, इसीलिए येसी मार्शल को देखकर तुरंत रूम में रखे काउच के पीछे छुप गया। तभी खरीदार और उसके आदमी मार्शल के लोगों पर शूट करने लगे। बदले में मार्शल के लोग भी उन पर फायरिंग करने लगे। फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस भी वहां पहुंच गई और होटल में भगदड़ मच गई। उधर फायरिंग में सारे लोग मारे गए और मार्शल भी बुरी तरह घायल हो गया। तब येसी ज्वेलरी का ब्रीफकेस उठाकर वहां से भाग गया। उसके पीछे राफा भी जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वहां से बाहर निकला। फिर येसी पुलिस को चकमा देकर होटल से भाग गया। तब सैम जो मार्शल की कार में छुपा था वो अपने फोन से जीपीएस में देखता है कि येसी होटल से ज्वेलरी लेकर निकल गया। उधर मार्शल पार्किंग में आकर अपनी कार में बैठा। फिर फ्रॉडी कार वहां से निकाल लेता है। वही दूसरी तरफ येसी भागते हुए रोड पर आया और एक कार में बैठी प्रेग्नेंट लेडी को कार से उतारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर वो कार लेकर वहां से भाग निकला। तब राफा वहां आकर उस लेडी को संभालता है, लेकिन इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई और राफा को पकड़ लिया। उधर सैम ने कार में मार्शल पर गन तान रखी थी। अब वो लोग भी वहां से निकल रहे थे। तब इत्तेफाक से येसी जिस कार से भाग रहा था वो कार मार्शल की कार से बुरी तरह टकरा गई और दोनों कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मार्शल की मौत हो गई और सैम बुरी तरह कार में फंस गया। फ्रॉडी जैसे तैसे खुद को बाहर निकाल लेता है और अपने दोस्त सैम को बचाने की कोशिश करता है। तब सैम अपने फोन में जीपीएस में ब्रीफकेस की लोकेशन देखता है। तब उसे पता चला कि ब्रीफकेस उससे बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, इसीलिए सैम फ्रॉडी को दूसरी कार में सूटकेस देखने कहता है। फ्रॉडी जैसे ही उस कार के पास गया तब उसे दिखाई दिया येसी भी एक्सीडेंट में मारा गया। तब फ्रॉडी कार से ज्वेलरी का ब्रीफकेस निकाल कर वहां से भाग जाता है क्योंकि पुलिस वहां पहुंचने ही वाली थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां आकर सैम को कार से बाहर निकालती है और उसे अरेस्ट करके वैन में बैठाती है जिसमें राफा पहले से बैठा था। तब राफा सैम को धोखा देने के लिए उसे माफी मांगता है और सैम भी उसे माफ कर देता है। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। सैम अपनी सजा काटकर जेल से रिहा हो रहा था। उसने वही पुरानी पेट्रोल पंप वाली नौकरी ज्वाइन कर ली थी। आगे हम फ्रैंकी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो एक लड़के के साथ डेट पर आई थी। तभी उस लड़के के पास एक वेटर आकर बताता है कि उसके लिए किसी का कॉल आया है। तब वो लड़का फ्रैंकी के पास से उठकर रेस्टोरेंट के रिसेप्शन की तरफ चला गया। तभी दूसरा वेटर फ्रैंकी के पास आकर उसके टेबल पर एक एनवलप रखता है। फ्रैंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस एनवलप को खोलकर देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि उसमें फ्रैंकी के हिस्से के कुछ डायमंड थे जिससे उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये देखकर फ्रैंकी खुश हो गई और सैम को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन सैम उसे नहीं दिखता। तभी वो लड़का जिसके साथ फ्रैंकी डेट पर गई थी वो वापस आकर बताता है कि किसी सेल्समैन ने रेस्टोरेंट में कॉल किया था। दरअसल वो कॉल सैम ने ही किया था ताकि दूसरा वेटर फ्रैंकी तक डायमंड पहुंचा सके। फिर हम सैम को देखते हैं जो
रेस्टोरेंट के पास ही था। वो एक कार में बैठा था और उस कार में सैम के साथ उसका दोस्त फ्रॉडी भी था। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। आखिर में हम एक छोटी सी हिस्ट्री देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि एमा डेब्लेम से चोरी किए गए डायमंड कभी बरामद नहीं हुए और यही पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। We'll be right back.